कुश्ती की दुनिया के बीच सियासत का दंगल जारी है। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहलवान एक के बाद एक अपने मेडल लौटा रहे हैं। रेसलर विनेश फोगाट ने शनिवार को अपने अवार्ड वापस किए, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई? प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है, उसकी ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा होती है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए सरकार पर वार किया है। उन्होंने लिखा, बेटियों की अस्मिता पर आंच आने से जिनकी आंखें नहीं खुली, जिन्हें बेटियों के धरने पर बैठने से फर्क नहीं पड़ा, बेटियों को सड़कों पर घसीटे जाने पर जिनको शर्म नहीं आई, कोर्ट और पुलिस की टिप्पणियों के बाद भी जिन्होंने आरोपी का साथ नहीं छोड़ा, भला सत्ता में बैठे ऐसे लोगों को अवार्ड लौटाने से क्या फर्क पड़ेगा? बहन विनेश, ये खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपने जी तोड़ मेहनत से कमाए हैं, इन्हें बेदर्द सत्ताधीशों के लिए मत त्यागो। न्याय की इस लड़ाई में देश आपके साथ है। आपको बता दे, शनिवार को ही रेसलर बजरंग पुनिया के बाद महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भी अपना सम्मान वापस कर दिया था। जब वो सम्मान वापस करने पीएमओ जा रही थी, इसी दौरान पुलिस ने विनेश को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर रोक लिया था, जिसके बाद विनेश ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड पुरस्कार कर्तव्य पथ पर ही छोड़ दिया था। विनेश से पहले बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया था। अब देखना होगा आगे इस मुद्दे पर और कितनी सियासत देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।